हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी जो पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं फॉर अ KVS PRT टीचर्स और TGT और PGT के लिए, तो वो बेसिकली इससे रिलेटेड चल रहे हैं जो मैंने आपको बताया था, साइकोलॉजी और पेडागोजी। तो दोनों के कॉन्सेप्ट और सिलेबस थोड़ा अलग अलग है। तो अभी मैं आपके लिए पहले पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ जल्दी जल्दी, जो कॉमन सिलेबस हैं और कॉमन टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो भी PRT और TGT से रिलेटेड जो भी रह जाएगा रिमाइंडर्स में या रिमेनिंग में जो भी रह जाएगा, तो मैंने उसके लिए रिमाइंडर सेट किया हुआ है और आपके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आपको उससे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हो कि अगर आपके लिए कोई सिलेबस छूट गया है, कोई सिलेबस में आपको पता है कोई टॉपिक मिस हो गया है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेशन के थ्रू। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का टॉपिक है ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर्स। ठीक है, देखिए हिंदी में है, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं और सीखने समझने में त्रुटियां। जो त्रुटियां हैं, जो एरर्स हैं, वो इस पॉइंट के, मतलब इस टॉपिक के हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और उससे पहले जो है वो है वैकल्पिक अवधारणाएं। अब आपको पता है वैकल्पिक किस रूप में, आपको एक चीज़ पता ही है कि अपने आप में जब बच्चा मतलब पैदा होता है तो अपने आप में हर कोई अलग होता है, हर किसी की मेंटल लेवल अलग होता है, लर्निंग पावर अलग होती है, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो हर कोई बच्चा क्या है, अपने रूप में कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, कितना अचीव कर रहा है, कितना अचीव नहीं कर रहा है, वो चीज़ है। ठीक है, अब हो सकता है कि हमारी वीडियोस से कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा हो पेडागोजी और साइकोलॉजी पढ़ना, लेकिन कुछ को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, उसके अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही होगी उसकी मैथ्स यहाँ से। तो वो अनदर कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा होगा कि कोई PDF से पढ़ रहा होगा, कोई किसी और के चैनल्स की वीडियोस सुन रहा होगा। तो वो क्या है, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग हो गया। ठीक है, तो मैंने जो हमारे वैकल्पिक अवधारणा है ना, वो सब यही है कि जो हमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस दिए गए हैं ना, ऑल्टरनेट ऑप्शंस के आपके कि सबकी मेंटल एज अलग होती है और सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, सबके सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, सबका लेवल अलग होता है। तो ये सारे क्या हैं, आपके ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं कि कोई भी बच्चा जब सीखता है या कोई भी काम करता है या कुछ भी एक्सेट्रा एनीथिंग, तो वो क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, मैं एक बार इसकी सिंपल डेफिनेशन आपको पढ़ के भी बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। बच्चों में सीखना अलग अलग तरीके से होता है, सभी बच्चों के सीखने की गति अलग अलग होती है, बच्चे अपनी अलग अलग क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, जिस बच्चे को सीखने के जिस तरीके से संतोष मिलता है वह उसी प्रतिक्रिया को बार बार करता है, इसी कारण उसमें अधिकम की अलग अलग वैकल्पिक अवधारणाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, हर किसी के सीखने का तरीका अलग होता है, उसकी गतियां अलग होती है, लेकिन जिस गति से, जिस कॉन्सेप्ट से, जिस तरीके से जो बच्चा सीख रहा है प्रॉपर वे में, जिससे उसको संतुष्टि मिल रही है, उसको बिल्कुल ये हो रहा है कि हाँ मैं अब रिलैक्स्ड हूँ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग या इस मेथड के अकॉर्डिंग, मुझे इजी वे में समझ आ रहा है या मैं सीख पा रही हूँ, तो हर किसी का वो जो हैप्पीनेस है लास्टली कि मुझे इस संतोष मिल रहा है, तो वो क्या है, उस क्रिया को बार बार करने के लिए आपको उत्साहित करता है। तो आप भी क्या करेंगे, उस क्रिया को बार बार करेंगे कि मैं इस मेथड से ज़्यादा अच्छा सीख पा रहा हूँ, तो मैं इस मेथड से ही बार बार कोई भी चीज़ सीखूँ तो इसी मेथड से सीखूँ। अब जैसे जो बच्चे हमारी वीडियो से ज़्यादा अच्छा सुन पा रहे होंगे या ज़्यादा इफेक्टिव लगती होगी लर्निंग, तो वो क्या है, मेरी सारी वीडियोस देखेंगे या सोचेंगे सारे टॉपिक इन्हीं मैम से कवर कर लूँ। लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है कि ना समझ आ रहा हो, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो, तो वो एक वीडियो देख के ही स्किप कर देंगे कि कोई और चैनल चूज़ करते हैं, तो ये हो सकता है। ठीक है,
तो ये होते हैं हमारे वैकल्पिक अवधारणाएं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हम चूज़ करते हैं अपने लेवल और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके, ठीक है। अब अधिकम की वैकल्पिक अवधारणाएं मतलब लर्निंग के लिए आप ऑल्टरनेटिव जो चूज़ कर सकते हो वो कौन कौन से चूज़ कर सकते हो, तीन टाइप के चूज़ कर सकते हो। पहला आता है आपका बिहेवियरिस्ट अप्रोच, ये आपके तीन टाइप के अप्रोचेज हैं जो अवधारणाएं दी गई हैं ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग के अंदर, कि अधिकम के वैकल्पिक अवधारणाएं क्या क्या हैं। पहली तो है आपकी बिहेवियरिस्ट अप्रोच यानी कि व्यवहारवादी अवधारणा, ठीक है। अब मैंने अभी जो आपको बताया, हर किसी का मेंटल लेवल, एज और सीखने का तरीका अलग अलग होता है, तो बच्चे क्या हैं इन तीन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने कॉग्नेटिव लेवल के अकॉर्डिंग और अपने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे अलग अलग सीखते हैं जिस हिसाब से जिस बच्चे को ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच में आता है आपका बिहेवियरिस्ट अप्रोच यानी कि व्यवहारवादी अवधारणा। इसके अंदर बात की गई है कि किसी भी बच्चे का जब बिहेवियर चेंज होता है, मतलब बिहेवियर में चेंज आता है, तो वो होती है आपकी बिहेवियरिस्ट अप्रोच, यानी कि आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने वो देखी होगी, मैंने आपको वो बताया था पेवलन की थ्योरी, थ्रोनडाइक की थ्योरी और ये सारी थ्योरीज के बारे में क्या थी, हमने बात करी थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक हंगर कैट को रख दिया गया था, हंगर डॉग को और हंगर रैट को रख दिया गया था, ठीक है। उसके सामने क्या रख दिया गया था, स्ट्यूमलेस के तौर पर खाना रख दिया गया था। तो बिल्ली को जब स्ट्यूमलेस प्रोवाइड किया गया तो उसने क्रियाएँ उतनी करनी शुरू करी खाना प्राप्त करने के लिए। तो उसने क्या किया, जब एक बार अचानक ऐसा हुआ कि ट्रिगर पे पैर लगा और उसको खाना मिल गया बाहर जाके, तो उसके बिहेवियर में नेक्स्ट टाइम से चेंज आ गया कि उसने डायरेक्ट ट्रिगर पे पैर लगाया और जाके खाना खा लिया, ठीक है। तो किसी भी ऐसी लर्निंग को बिहेवियर्स अप्रोच कहते हैं जिससे हमारी लर्निंग के अंदर हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, बच्चों को प्लस माइनस सिखा रहे हो ये वो, तो आप क्या करोगे जब बच्चे ने प्लस माइनस सीख लिया, ठीक है, पहले तो उसे नहीं पता था प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, साइन क्या होता है, लेकिन प्लस माइनस सीखने के बाद बच्चा क्या करेगा, अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेगा, यानी कि उसके जो बिहेवियर में चेंज होगा वो आ जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए उसने अपने फ्रेंड को 10 रुपये दिए हैं कि मुझे 5 रुपये का ये लिया, मैंने आपसे 5 वापस कर दो, तो वहाँ पे क्या किया उसने, प्लस माइनस का यूज़ किया। तो इसीलिए जब उसके बिहेवियर में इस टाइप का आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे, तो मतलब उसने वहाँ पे जो लर्निंग करी है वो उसकी बिहेवियर अप्रोच को दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कॉग्निटिव अप्रोच, यानी कि कॉग्निटिव जो आपके मानसिकता यानी कि ज्ञान से रिलेटेड है, यानी कि संज्ञानात्मक अवधारणा। इसके अंदर बोला है संज्ञानवादी अवधारणा से अभिप्राय मानसिक संक्रियाओं से है, यानी कि मेंटल जो आपकी एबिलिटी है उससे है, ठीक है। जहाँ पर हम किसी काम को करने के लिए मानसिक संरचनाओं का प्रयोग करते हैं, मतलब आपको किसी भी काम का, जैसे कॉलरबर्ग ने अपनी थ्योरी दी थी इनसाइट थ्योरी, ठीक है, तो उसने क्या किया था, चिंपैंजी जो सुल्तान था उसने क्या किया था, अपने दिमाग का यूज़ किया था, एकदम से इंसाइट हुआ, उसके माइंड में थॉट आई कि इस छड़ी को क्या है, इसकी दूसरी छड़ी के साथ ज्वाइन करना है, फिर तीसरी के साथ ज्वाइन करना है, देन मेरे को केले मिल जाएंगे, ठीक है, एक बॉक्स को दूसरे पे रखना है, तीसरे पे रखना है, देन मेरे को केले मिल जाएंगे। तो उसने क्या किया, अपने दिमाग का यूज़ किया। तो जब भी हम अपनी मानसिक क्रियाओं से कोई काम करते हैं, यानी कि अपनी मेंटल एबिलिटी, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग कुछ काम करते हैं, तो वो आता है हमारा कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर, में हमारी सारी मानसिक क्रियाएं एक्टिव रहती है कोई भी काम को करने के लिए, जिसमें आपका ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, बोध होती है, रिकॉल होता है, और क्या चीज़ें होती हैं, एनालाइज होता है, सेनेथाइज होता हो सॉरी सेनेथाइज नहीं
सिंथेसिस होता है, इवैल्यूएशन होता है, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, आपका कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर, ठीक है। लास्ट आता है आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी कि मानवतावादी अवधारणा। जब जहाँ पर हम दूसरों के साथ या दूसरों के बारे में अध्ययन करते हैं, वह दूसरों से कैसे अलग है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करता है, तो वो आती है आपकी बिहेवियरिस्ट अप्रोच। मतलब जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करने लगते हो, फ़र्क करने लगते हो, तुलना करने लगते हो कि मैं ऐसी हूँ तो वो दूसरा ऐसा क्यों है, मैं ऐसे बोलती हूँ तो दूसरा ऐसे क्यों बोलता है। जब आप ये चीज़ों का अध्ययन करने लगते हो कि मैं आज यहाँ पे स्टैंड हूँ तो दूसरा क्यों नहीं है, दूसरा मेरे से ऊपर क्यों है, तो जब आप ये सारी चीज़ें एनालाइज करने लगते हो या फिर ऑर्गेनाइज करने लगते हो, अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने लगते हो, तो वो होती है आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी कि मानवतावादी अवधारणा, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। अब एक और बात, ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो वैकल्पिक अवधारणाएं थी लर्निंग के अंदर, वैकल्पिक तो हो गई आपकी अवधारणाएं जो आपकी अल्टरनेटिव थी, तो ये जो तीन अल्टरनेटिव है, इसके द्वारा आप कैसे इन अप्रोचेस को यूज़ करके कैसे लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में लर्निंग हम कैसे करते हैं कि आपने अपने बिहेवियर में चेंज किया कुछ भी सीख के। सेकेंड में कॉग्निटिव अप्रोच में आप कैसे लर्निंग करते हो, जब आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, स्ट्रांग हो जाती है, एक्टिव होती है किसी भी काम को करने के लिए। और थर्ड में आपने कैसे किया, जब आप तुलना करनी सीख जाते हो या ये चीज़ करनी सीख जाते हो कि मैं यहाँ पे हूँ तो वो वहाँ पे क्यों है, मैं ऐसा हूँ तो वो वैसा क्यों है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी मानवतावादी यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रह गया हमारा, वो है सीखने समझने की त्रुटियाँ, यानी कि एरर्स जो हैं। अब आपको पता ही है कि आप कोई भी साइकिल चलाना आप लोगों ने सीखा होगा बचपन में सभी ने, तो क्या ऐसे हुआ था कि आपने एक ही बारी में साइकिल चलानी सीख ली हो, जब आप साइकिल पे चढ़े हो तो फटाफट स्पीड के साथ दौड़ाते ले गए हो, बिना गिरे बिना रुके, नहीं हो सकता ना। आप कोई भी काम करो, कोई भी, क्या है वो लर्निंग हो, टीचिंग हो सकता है मैं भी अब टीच करती हूँ तो ऐसा तो नहीं है, मैं भगवान तो नहीं हूँ कि मेरे से गलतियाँ नहीं होगी, मैं शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर सकती हूँ, बोलते बोलते अटक सकती हूँ, कोई बात भूल सकती हूँ, तो वो क्या है, वो एरर्स हैं, मेरी जो टीचिंग के अंदर रोड़ा बन रही हैं कुछ चीज़ें, वो क्या है, मेरे एरर्स हो गए। तो ऐसे ही जब आप साइकिल चलाना सीखोगे या कोई भी चीज़ काम करना सीखोगे, खाना बनाना सीखोगे या नया कोई गैजेट यूज़ करना सीखोगे, तो उसके अंदर जो आपको प्रॉब्लम फेस करने को आएंगी, जो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी जो आपको उस काम को करने के लिए रुकावटें पैदा करेंगे कि आप लास्ट तक ना जा पाओ, तो वो होते हैं आपके एरर्स, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होता है, उन रुकावटों को ख़त्म करके आपको लास्ट तक अपना गोल अचीव करना होता है, ठीक है। तो लर्निंग के अंदर ऐसे कौन से एरर्स होंगे, अब कोई सोच रहा होगा कि लर्निंग के अंदर तो अगर एरर्स होंगे तो ऐसे हो सकते हैं कि हम लोग क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं तो शायद जो डिस्टर्बेंस आ रही है एनवायरनमेंट की वजह से वो एक एरर हो गया, और बच्चे का फिजिकली या मेंटल पॉइंट एरर हो गया कि बच्चे की मानसिकता कम है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो वो हमारी लर्निंग पे इफ़ेक्ट कर सकता है। ये सारे फैक्टर्स लर्निंग के लिए अच्छे हैं और हम पढ़ते भी हैं, जो हमारे सारे फैक्टर्स क्या हैं, जो कारक हैं जो हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सारे वही फैक्टर्स हैं। लेकिन स्पेशल एरर्स अलग हैं जो आपके पढ़ने पढ़ाने में किसी भी आप लर्निंग कैसे करते हो, लर्निंग आप शायद 4 स्किल्स से करते हो, सबसे पहले वो पढ़ना लिखना सुनना और ऐसे करके 4 स्टेप्स में करते हो ना, तो उनके अंदर आपको जो एरर्स आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो आपकी क्या है, वो होते हैं आपके एरर्स, ठीक है। अब कौन कौन से एरर्स हैं वो फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए अब एरर्स पे आते हैं। अब आते हैं हम अपनी स्पेशल एरर इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अधिगम प्रक्रिया में विशेष त्रुटियां, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। तो ये 4 प्रकार की होती हैं आपकी।
फर्स्ट है आपकी रीडिंग प्रॉब्लम, यानी कि पढ़ने से संबंधित। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राइटिंग प्रॉब्लम, यानी कि लिखने से संबंधित। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि गणित, गणित से संबंधित। और उसके बाद आपका आता है वर्बल रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि मौखिक। ठीक है, अब बात करते हैं ये चार प्रकार जब आप यूज करते हैं, आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, लिखते हैं, गणित सॉल्व करते हैं और मौखिक रूप से यानी कि वर्बली बात करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है जिसके कारण वो पढ़ाई लिखाई जो आपकी होती है उसके अंदर एरर्स आ जाते हैं और वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई एरर्स के कारण आप वहीं पर रुक जाते हैं। जैसे आपने उन बच्चों को देखा होगा जो हकलाते हैं, जो रुक रुक के बोलते हैं या फिर भूल जाते हैं थोड़ी देर बोलने के बाद, तो उनके अंदर क्या है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी या बोली तो वहाँ पे क्या है वो थोड़ी देर रुकेंगे, भूल जाएंगे, या फिर वहाँ पे अगर वो कोई बात कर रहे हैं मतलब किसी टॉपिक पे हकला हकला के बोल रहे हैं तो सामने वाले को इतना प्रॉपर वे में समझ नहीं आएगा। तो तब क्या होगा ऐसी कंडीशन में कि आप प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो वो क्या है आपके एरर्स हैं जो आपकी लर्निंग को या टीचिंग को या किसी भी चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है कि आप सामने वाले को नहीं समझा पा रहे हो कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, वो आपके एरर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे रीडिंग प्रॉब्लम्स दो हैं, राइटिंग प्रॉब्लम्स चार हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स तीन हैं और लास्ट वर्बल रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी दो हैं। तो अब इनके नाम पढ़ लेते हैं। एक और बात, नाम पे बहुत फोकस करना जो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि ज़रा ज़रा सी बस स्पेलिंग का फ़र्क है और ज़्यादा नहीं है। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूंगी कि कैसे आपको लर्न करना है इसको, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ हैं सभी नामों में। ठीक है, फर्स्ट है हमारा रीडिंग प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर टू टाइप्स के एरर्स आते हैं, एक होता है एलेक्सिया, एक होता है डिसलेक्सिया। रीडिंग संबंधित प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम्स कि जब बच्चा पढ़ने में कोई गलती करता है, मतलब पढ़ने में उसको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होती है, तो उस टाइम पे बच्चा क्या करता है जब उसको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होती है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 100 लिखा है, तो बच्चा इसको उल्टा क्या है वॉज पढ़ेगा, या मैंने वॉज लिखा है तो इसको उल्टा 100 पढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बच्चे के साथ पढ़ने में कि उसको ब्लैक बोर्ड काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसको कहोगे चश्मा लगाओ। ठीक है, वहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया, तो ये लेकिन ये प्रॉब्लम्स का नाम क्या है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ठीक है, जब आपको उल्टा पढ़ पा रहे हो किसी शब्द को, आपको समझ ना आ रहा हो, राम को मरा पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे राम लिखते हैं राम, आप उसको मार पढ़ रहे हो, उल्टा पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब आप वर्ड्स को उल्टा पढ़ने लगते हो तो उसको बोलते हैं एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ठीक है, याद रखना एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राइटिंग प्रॉब्लम। और राइटिंग प्रॉब्लम्स कैसी होती है, राइटिंग प्रॉब्लम में आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है कि आप शब्दों को क्या है ठीक से बना नहीं पाते हो। जैसे क ख ग होता है, कोई बच्चा का को प्रॉपर नहीं बना पाता, का को आधा छोड़ देता है, तो ये तो आधा का हो गया, तो इस तरह से कर्व प्रॉपर नहीं आती, शेप प्रॉपर नहीं दे सकता, ग्राफ प्रॉपर नहीं कर सकता। ये क्या होता है, ये आपका एक तरह से ग्राफ और कर्व्स ही होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है शब्द स्पेलिंग्स और इन सब में, तो वो होती हैं आपकी राइटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्प्रेक्सिया, डिसग्राफिया, एप्रेक्सिया और अग्राफिया। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या था लास्ट में, यहाँ पे जिस चीज़ का यूज हुआ है, यहाँ हुआ है एलेक्सिया
एलेक्सिया, ठीक है। तो जब भी आपका लास्ट में एलेक्सिया एलेक्सिया वाला यूज होगा, लिक्सिया लिक्सिया, लिक्सिया मतलब पढ़ते टाइम, ठीक है, मतलब बच्चा जब पढ़ रहा है, लिक्सिया। और जब राइटिंग प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रेक्सिया सुनाई देगा या ग्राफिया सुनाई देगा। यहाँ पे क्या आ गया, पूरा प्रेक्सिया और ग्राफिया, ठीक है। अब ग्राफ से तो आप समझ ही गए, ग्राफ आप कैसे बनाते हो, हाथों से ही बनाते हो ना, लिखते भी कैसे हो आप, हाथों से ही लिखते हो। तो यानी कि आप राइटिंग कर रहे हो हाथों से, ये ग्राफ बना रहे हो हाथों से, तो मतलब जब ग्राफ बना रहे हो तो कौन सा एरर होगा आपका, राइटिंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि लिखने से संबंधित कौन सी एरर्स बच्चे को होते हैं। चार ऑप्शंस कुछ और होंगे, इनमें से कुछ भी दे देगा। एक ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट होगा, तो आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ एलेक्सिया, ग्राफिया और एपेक्सिया और डिसकैल्कुलिया, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आप जिसके पीछे ग्राफिया देखो, मतलब वो आपका राइटिंग प्रॉब्लम यानी कि पढ़ने से संबंधित है, ठीक है, यानी कि वो आपका ऑप्शन ठीक होगा। और दूसरा क्या है, प्रेक्सिया। अब आप राइटिंग कैसे करते हो, मतलब जब आपका फेस होता है, मतलब प्रेक्सिया आप देख के ही करते हो ना। मान लीजिए आप ब्लैक बोर्ड से कुछ नोट डाउन कर रहे हो, तो आप पहले देखोगे देन लिखोगे, देखोगे देन लिखोगे। तो यानी कि पहले फेस करोगे देन राइट करोगे देन ग्राफ करोगे, यानी कि पहले फेस करोगे प्रेक्सिया, फेस करोगे देन उसको ग्राफ करोगे, ठीक है। तो आपको जहाँ पे प्रेक्सिया और ग्राफिया सुनाई दे, मतलब वो आपका राइटिंग से रिलेटेड है। और जहाँ पे आपको रीडिंग सुनाई दे, रीडिंग में क्या करना है, आपने बस बुक लेनी है और ऐसे करके पढ़ना है, ना उसमें फेस करना है ना आपने कुछ ग्राफ करना है, तो वहाँ पे एलेक्सिया यानी कि जो लिखावट है उसको पढ़ना है, यानी कि लिखी हुई बातों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है मैथमेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि गणित से संबंधित। जब बच्चा कैलकुलेशन में गड़बड़ करता है, गुणन में, आपने बहुत बार देखा होगा, अभी भी होता है, मुझसे भी होता है, आपसे भी हो सकता है कि आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो। अगर मैं 5 + 5 पूछूं तो एकदम अचानक से अगर ऐसे पूछ लिया जाए 38 + 22 कितने होते हैं, तो मैं भी सोचूंगी कितने होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, जो ऐसी मिस्टेक्स होती हैं या फिर गुणन में, मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस में हम गड़बड़ कर देते हैं, कैलकुलेशन में फ़र्क कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, आपकी मैथमेटिकल यानी कि गणित से रिलेटेड है। वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी गणित में आती हैं। उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया, ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया, वर्बल डिसकैल्कुलिया। वेरी सिंपल, ये तो सबके पीछे लास्ट में क्या आ रहा है, डिसकैल्कुलिया डिसकैल्कुलिया डिसकैल्कुलिया, ठीक है। आगे कुछ भी हो, ग्राफ हम बनाते हैं मैथ्स में, वर्बली हम बोलते हैं मैथ्स में, और लेक्सिकल यानी कि लेक्स हम बनाते हैं मैथ्स में, ठीक है। लेकिन डिसकैल्कुलिया, अब इसको समझ लीजिए, लास्ट में जो आपका आ रहा है कैल्कुलिया, कैलकुलेशन आप किस में करते हो, हिंदी में आप कैलकुलेशन करते हो कभी, नहीं ना, इंग्लिश में करते हो, नहीं, मैथ्स में करते हो, साइंस में करते हो। तो उसमें कैलकुलिया मतलब गणित, कैलकुलेशन किस में आप कर रहे हो, मैथ्स में ही कैलकुलेशन करते हो ना, तो मतलब जहाँ आपको कैलकुलिया सुनाई दे, मतलब आपको कैलकुलेशन का आप कहाँ यूज़ करते हो, मैथ्स के अंदर यूज़ करते हो आप, गणित में, गणित में ही कैलकुलेशन सॉल्व करते हो, और अपना कैलसी यूज़ करते हो जो आपका शॉर्ट डाउन करने के लिए होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या करते हो आप, मैथ्स के अंदर सॉल्व करते हो। तो यानी कि इसका तो सिंपल सा है, जहाँ आपने डिसकैल्कुलिया सुना तो मतलब वो आपकी गणित से रिलेटेड एरर्स हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है आपका वर्बल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जब बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है, जैसे बच्चा हकलाता है, रुक रुक के बोलता है, घबराता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वर्बल यानी कि मौखिक रूप से जो बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसमें कौन सी आती है आपकी, एपेक्सिया और डायपेक्सिया। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, लास्ट में क्या आ रहा है, फेसिया और फेसिया, ठीक है। तो आप वर्बली बात कैसे करते हो, अगर मैं आपसे कुछ चीज़ समझा रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो मैं आई कांटेक्ट करके कर रही हूँ ना, तो मतलब आपका फेस मेरा फेस एक दूसरे के सामने है, यानी कि हम दोनों ने एक दूसरे को फेस किया हुआ है। तो यानी कि वर्बली हम लोग कुछ भी बात करते हैं, जब मौखिक रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो एक दूसरे को फेस करके करते हैं। तो इसीलिए जब भी लास्ट में फेसिया सुनाई दे, तो इट मीन्स वो आपका मौखिक रूप से है, ठीक है। तो
आगे अब आपको समझ। तो ये आपके चार प्रकार के एरर्स थे, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जब आपके लेक्सिया लेक्सिया सुनाई दे तो वो आपका रीडिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जब आपको राइटिंग से यानी कि ग्राफिया और प्रेक्सिया सुनाई दे यानी कि प्रेस या फिर फेस करते हो किसी चीज़ को, तो वो आपका लिखने से संबंधित है। गणित में आपका डिसकैल्कुलिया और मौखिक रूप से आपका फेसिया फेसिया, ठीक है। नाम है इनके रीडिंग प्रॉब्लम्स में एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, राइटिंग प्रॉब्लम में आपके डिसप्रेक्सिया डिसग्राफिया एप्रेक्सिया अग्राफिया, ठीक है। मैथमेटिक में है आपके लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया वर्बल डिसकैल्कुलिया, और वर्बल में है आपके अफेसिया और डिफेसिया, ठीक है। ये आपके एरर्स हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना इसको बिना सोचे समझे। सारे नाम आपको याद होने चाहिए, नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं लेक्चर्स पूछूंगी मतलब करवाऊंगी अपना, तो आपसे इससे रिलेटेड मैं आपसे कोई भी एरर डिस्कस कर सकती हूँ और पूछ भी सकती हूँ कमेंट सेशन के थ्रू कि आप ये वाला आप किसको आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये वाला डिसग्राफिया किससे आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ओके, तो ये वाले आपको अब ये समझ आ गए। ओके, तो ये वाला हमारा छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसमें हमने दो ही चीज़ें पढ़ी, एक हमारे जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं हमारे पास विकल्प होते हैं लर्निंग के लिए, वो जो थ्री टाइप के थे आपके, और उसके बाद हमने एरर्स पढ़ लिए जो इसका सेकेंड पार्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे एरर्स आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी ताकि आपके लिए में हेल्पफुल हो। आप लोग कमेंट सेशन में प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये वाली वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ऑल्सो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और अगर आपको KVS PGT का कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड अगर टीचिंग में हो सॉरी स्टडी मटेरियल चाहिए लर्निंग के लिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।